प्रदूषण नियंत्रण के लिए मंगलवार को दिल्ली सरकार ने एडवांस ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की। ऐप लॉन्च करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पिछले साल दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, जबकि इस बार 150 चिन्हित किए गए हैं। ग्रीन वॉर रूम के जरिए इन सभी की निगरानी की जाएगी और प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों को कम किया जाएगा। इसके लिए 21 सदस्यीय एक टीम भी बनाई गई है। ये टीम सर्दी के पूरे सीजन में 24 घंटे सातों दिन काम करेगी। पहले 13 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिन पर हम फोकस कार्रवाई कर रहे थे। पिछले एक साल का जो ग्रीन दिल्ली ऐप का जो पूरा हमने ऑपरेशन चलाया, उससे अब हमने 150 हॉट स्पॉट दिल्ली के अंदर पॉइंटेड किए हैं, जहां से ज्यादा कंप्लेंट आई है, और उन 150 हॉट स्पॉट पे क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। इस पूरे अभियान के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये ग्रीन वॉर रूम, क्योंकि ग्रीन वॉर रूम की टीम ही सारी चीजों को कंडक्ट करती है। उन्होंने कहा कि ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दिल्ली का कोई भी नागरिक प्रदूषण संबंधी अपनी शिकायतें ग्रीन वॉर रूम तक पहुंचा सकता है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल ऐप के जरिए 27,000 शिकायतें आई थी, जिनमें से 23,000 से ज्यादा दूर कर दी गई थी। सबसे ज्यादा शिकायतें MCDDDA और PWD की आई थी। वहीं दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोपाल राय ने कहा कि ये ऐप और वॉर रूम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में सीधा जोड़ता है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।